एक कथा हम कई बार महापुरुषों से सुनते हैं कि एक चोर था, वो ऐसे ही जा रहा था, उसको कथा सुनने मिल गई। सुनने क्या मिली, उसके पीछे सिपाही पड़े थे, तो उनसे बचने के लिए भीड़ में बैठ गया छुपने के लिए। और छुपने के लिए बैठ गया, महाराज जी कथा सुना रहे, तो महाराज जी कथा में कौन सा श्लोक सुना रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतिम च मालम। तो ये श्लोक क्या, ये भगवान के रूप का वर्णन बताता है, भगवान ने क्या क्या पहन रखा है। तो महाराज जी ने और थोड़ा जरा विस्तार से सुना रहे, आज यशोदा मैया ने लाला को सोने के कड़ुआ पहनाए हैं, आज मैया ने बड़े सुंदर कानन में बड़े हीरान के कुंडल पहनाए हैं, बड़ो सुंदर हीरे मोती पन्नांते जड़ो भयो बाजूबंद पहरायो है। अब सब तो डूब रहे हैं, हाँ ठाकुर जी का क्या स्वरूप है, क्या सुंदर रूप है, और ये यहाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा है, ये भाई साहब कौन है जो इतना सोना पहनता है, हम तो इसी को लूटेंगे, हम इसी को लूटेंगे। हाँ, उसका चोर का नाम था गोवर्धन दास, पता नहीं घर वालों ने तो अच्छा नाम रखा, पर बन गया चोर कैसे। तो अब कथा खत्म हुई, सब आए, ये भी आया और आ करके बोला कि महाराज जी एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले ये जो सेठ जी का आप वर्णन कर रहे थे, भाई साहब रहते कहाँ हैं। महाराज जी ने पूछा तू क्या करेगा। बोले नहीं बस ऐसे ही मिलना था इनसे एक बार, व्यास जी समझ गए कि इस पे कृपा हो गई है। क्यों समझ गए, चोर है, इसके मन में भाव आ रहा चोरी करने का लूटने का, महाराज जी ने समझ गए कृपा हो गई। क्यों, क्योंकि अगर कोई भगवान को लूटने का भी मन बना ले तो ये तो लुटवाने के लिए भी तैयार है। कोई लूटने का मन बनाए तो ठाकुर जी कह रहे लो हम तो तैयार बैठे। भक्तमाल जी में कितनी ऐसी कथा, हरिपाल डाकू के लिए ठाकुर जी खुद ही सेठ बनकर के आ गए थे जानबूझ के लूटने के लिए। तो ऐसे ही कहा तो महात्मा जी ने बताया इस भाई साहब से मिलना तो तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा। बोले इसका कुछ कुछ लक्षण दिखता कैसा है। बोला एकदम श्याम वर्ण का है, मोर मुकुट पहनता है, गैया चराने जाता है। बोले अकेला जाता है ना, कोई इसके साथ बड़ा तो नहीं जाता साथ में, जो अकेले बच्चे को लूटना आसान रहेगा। महाराज जी बोले नहीं अकेला ही जाता है, तू जा मिल जाएगा तुझे गैया चराते हुए। तो गोवर्धन दास आ गया, आकर के यहाँ गोवर्धन डाकू ने खूब, पहले तो यमुना जी पे मिलता है तो यमुना जी पे ढूंढा, फिर वनों में जा करके ढूंढा, और ढूंढते 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 अब तो महाराज इसको ऐसा मन में ठान लिया कि जब तक ये मिले नहीं, इसको लूटू नहीं, तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं, ना खाऊंगा ना पीऊँगा। अब वहीं पड़ा कि अब तो लूट करके ही जाएंगे, बस न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कब क्या उनको बात अच्छी लग जाए। सो महाराज ठाकुर जी आज लूटने के लिए खुद गैया चराते हुए बालक के रूप में वहां आ गए, बालक के रूप में गैया चराते भए सामने सामने ठाकुर जी, गैया पीछे पीछे आ रही, देख के समझ गए यही है वो। सबसे पहले नजर डाली कि हाथ में कंगन है या नहीं, बोला हाँ मोटे मोटे कंगन पहन रख के। जैसे ठाकुर जी नजदीक आए सोई लेकर के चाकू खड़ा हो गया, बोले निकालो। ठाकुर जी बोले तू लूटेगा हमको, बोले हाँ। ठाकुर जी बोले देख तू बेटा, तू लूटे ना लूटे पर हम तुझे लूटेंगे। और भगवान ने क्या लूटा, क्या लूटते हैं भगवान, क्या चुराते हैं भगवान, भगवान चुराते हैं हमारा चित्त, इसलिए तो चित्त चोर नाम है, इसलिए तो मनमोहन नाम है, मन चुराते हैं, मन को मोहित करते हैं। भगवान ने कहा आया तू लूटने था पर अब हम तुझे लूटेंगे। ठाकुर जी ने ऐसा उसे लूटा, वो गोवर्धन डाकू गोवर्धन दास बन गया और कभी ब्रज छोड़ के वापस नहीं गया, इसी ब्रज भूमि में पड़ा रहा ठाकुर जी को पुकारते पुकारते। तो कहने का भाव है कि भगवान तो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं।